बॉलीवुड के सबसे जाने माने एक्टर्स में से एक सलमान खान आज अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं। 27 दिसंबर का दिन हर एक सलमान के प्रशंसक के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता। ये वो दिन है जब सलमान खान के साथ उनके फैंस भी उनका बर्थडे काफी ज्यादा खुशी से मनाते हैं। सलमान खान ने अपने परिवार के साथ धूमधाम से अपना जन्मदिन तो मनाया, लेकिन इस बीच तमाम बॉलीवुड की हस्तियों ने सलमान खान को जन्मदिन की मुबारकबाद बेहद खास अंदाज में दी। किसी ने नायाब तोहफा दिया तो किसी ने सलमान के लिए 100 करोड़ की बात कह दी। लेकिन आपको बता दें कि सलमान बॉलीवुड की वो हस्ती हैं जिनके सामने प्रधानमंत्री भी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, और इस खुशी के मौके पर देश के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी ने सलमान खान को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, सलमान को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, सलमान इसी तरह से उन्नति करते रहें और देश को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते रहे। उन्होंने कहा, सलमान के साथ उनकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी रही है। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उसके अलावा भी सलमान काफी ज्यादा उनके करीबी दोस्तों में से एक रहे हैं। पीएम ने इस बीच सलमान को जन्मदिन की मुबारकबाद के साथ एक ऐसा नायाब तोहफा गिफ्ट के तौर पर देने का ऐलान किया है जिसके बारे में जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो सलमान को बर्थडे का गिफ्ट खुद देने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी का जिस तरह का ओहदा है उसके अनुसार सलमान को वो क्या गिफ्ट देते हैं। बहरहाल आप सभी को क्या लगता है, पीएम सलमान को तोहफे के रूप में क्या देने वाले हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।